फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि फरवरी मंथ शुरू हो चुका है और स्प्रिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अभी इस टाइम जो हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट होते हैं सब ऑलरेडी ग्रोथ में होते हैं। तो जो नए नए पौधे हम लगाते हैं वो इसी टाइम लगाते हैं, और फूलों वाले पौधे स्पेशली हम कोशिश करते हैं लगाने का। हम सबको ज़्यादा अट्रैक्ट फूलों वाले पौधे से ही होता है। तो जब हम पौधे ख़रीदने जाते हैं तो बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हम पौधे की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम चाह के भी नहीं परचेस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसे कुछ पौधे आपके साथ शेयर करूंगी। लगभग 20 पौधे मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप नर्सरी से परचेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम से प्राइस में। नॉर्मली 20 से 40 रुपए तक इन पौधों को आप आसानी से नर्सरी से परचेस कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से प्लांट है। तो उनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला है ये विंका सदाबहार। ये अभी डोरमेंट पीरियड से अभी बाहर आ रहा है, और आप देखेंगे कि ये प्लांट अब ग्रोथ लेने में है, तो बहुत ही जल्दी इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। विंका सदाबहार ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, बहुत ही हीट टॉलरेट भी होता है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये प्लांट मिल जाता है। इसे अगर आप देसी वेराइटी वाला विंका सदाबहार खरीदते हैं तो वो आपको 10 से 15 रुपये या मैक्सिमम 20 रुपये में मिल जाता है, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो 20 से 30 रुपये के अंदर ही हाइब्रिड वाले भी मिल जाते हैं। विंका सदाबहार के पौधे को एक बार अपने गार्डन में लगाएंगे तो फिर दोबारा आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो पौधा है वो है फ्रेंड्स हिबिस्कस का पौधा। हिबिस्कस का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि बहुत ही आसानी से बहुत ही मिनिमम से प्राइस में आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसे फ्री में भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के द्वारा ये प्लांट बहुत ही जल्दी लग जाता है। अगर आप देसी वेराइटी परचेस करने जाएंगे तो 30-40 रुपए में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हाइब्रिड वाले थोड़े कॉस्टली आते हैं, बट अगर आप देसी सिर्फ फूलों से मतलब रखते हैं तो आप देसी वाले ग्रो करिए, उसमें भी काफ़ी सारी वेराइटी आती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कहीं पर भी ये प्लांट देखते हैं, हाइबिस्कस का प्लांट अगर कहीं पर भी देखते हैं, तो आप उसकी कटिंग ले आइए, आपको परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कटिंग से वो प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। फिर फ्रेंड्स, आप ट्रम्पेट वाइन ग्रो कर सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन वैसे तो कॉस्टली आता है, बट ट्रम्पेट वाइन का अगर आप छोटा सा पौधा परचेस करने जाएं तो वो आपको अंडर 50 रुपीज़ में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें बहुत कलर के प्लांट आते हैं, बहुत कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी परचेस कर सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जब गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, और बहुत ही हीट टॉलरेट होते हैं ट्रम्पेट वाइन प्लांट। ये सभी प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे ही परमानेंट होंगे, और बहुत ही इजीली हीट को बर्दाश्त करके पूरी गर्मी आपके गार्डन में, गर्मी बरसात आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जो प्लांट आप परचेस कर सकते हैं वो है मोगरा। मोगरा यानी मोतियों वाला प्लांट जिसे हम कहते हैं, जो जैस्मिन की एक वेराइटी होती है, बहुत ही इजी टू ग्रो होता है ये प्लांट, और बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाते हैं। मोगरा के प्लांट को भी अगर आप एक बार परचेस करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 या 35 रुपए में मिल जाएगा, और बाद में आप इसे कटिंग से बहुत सारे बना सकते हैं। पूरे साल आपके गार्डन में रहेंगे और ढेरों फूल देंगे और आपके गार्डन की खूबसूरती बनाए रखेंगे। फिर फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं पैंटस का पौधा। पैंटस का आप ये पौधा देख सकते हैं, पूरे साल इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और ये प्लांट भी बहुत कॉस्टली नहीं आता है। अप्रॉक्स 30-40 या बहुत ज़्यादा हो तो 50 रुपये में ये प्लांट नर्सरी में इजीली मिल जाता है, और पूरे साल आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग देगा। कटिंग के द्वारा इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में एक से बहुत सारे बना सकते हैं, तो आप पैंटस का पौधा भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप पोर्चुला का लगा सकते हैं, जो कि गर्मियों के दिनों का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है, और इस टाइम सभी को ये पोर्चुला का प्लांट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है, और नर्सरी में अगर आप परचेस करने जाएंगे तो ये 10 से 15 रुपये में आपको मिल जाता है देसी वाला, और अगर हाइब्रिड वाला लेने जाएंगे तो वो मैक्सिमम 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं कोलियस का प्लांट। कोलियस का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। 25-30 रुपए में ये प्लांट बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाता है, और कटिंग के द्वारा ये प्लांट ग्रो होने हो जाता है बहुत ही इजीली। इसीलिए इस प्लांट को आप एक बार परचेस करके फिर खुद ही कटिंग से बहुत सारा प्लांट बना सकेंगे। फिर फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं रेन लिली। रेन लिली भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि हल बारिश की शुरुआत होते ही इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती रहती है, और ठंड आने तक इसमें आपको फूल मिलते ही रहते हैं।
गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आप रेन लिली को लगा सकते हैं और पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। और उसके बाद आप खुद ही इसको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये जड़ों के पास से बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते रहता है। और मैक्सिमम इसकी प्राइस जो नर्सरी में होती है वो 30-35 या 40 रुपए की ही होती है। बहुत ही कम प्राइस में रेन लिली का पौधा आप ग्रो कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं चांदनी का पौधा। चांदनी का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। और ये बहुत ही मिनिमम से प्राइस में मिल जाता है, अप्रॉक्स 40 या 50 रुपीज़ में मिल जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके कहीं आसपास चांदनी का पौधा दिखे तो आप वहां से कटिंग ला के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप यूफोर्बिया मिली को भी ग्रो कर सकते हैं। यूफोर्बिया मिली भी एक ऐसा भी पौधा है जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये मैंने खुद कटिंग से लगाए हैं और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट प्लांट होता है और मिनिमम से प्राइस में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। छोटा पौधा आपको 20-25 रुपये में मिल जाता है, बड़ा पौधा लेने जाएंगे तो अप्रोक्स 40-50 रुपीज़ इसका प्राइस होता है। फिर फ्रेंड्स आप बेबी सनरोज ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट होता है और छोटे छोटे इसमें रेड कलर के फूल आते हैं जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और गर्मी में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत तरीके से बढ़ता है और पूरी धूप में रहने वाला प्लांट है। धूप पड़ते ही इसमें छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स खिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फिर फ्रेंड्स आप पर्पल हार्ट ग्रो कर सकते हैं। पर्पल हार्ट का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि हीट टॉलरेट प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है। और नर्सरी में इस प्लांट की प्राइस लगभग 20-25 रुपये ही होती है, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होती है। फिर फ्रेंड्स आप वॉन्डरिंग जीव प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी नर्सरी में आपको 20-25 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप पॉलिथीन बैग में लगा हुआ प्लांट खरीदते हैं तो अगर बास्केट में लगा हुआ खरीदेंगे तो आपको वो 100 रुपीज़ पड़ सकता है। बट ये प्लांट हम छोटा ही खरीदते हैं क्योंकि ये काफ़ी जल्दी फैलता है और बहुत ही जल्दी पूरे बास्केट को कवर कर लेता है। इसीलिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय छोटा पौधा खरीदें और आसानी से इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं और अपने गार्डन में ढेरों पौधे बना सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं गैलार्डिया का प्लांट। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, ये खुद ब खुद ढेरों प्लांट बन जाता है इस प्लांट से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसमें ये सीड बनते हैं और उसके बाद आप खुद ही इससे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। अगर आप परचेस करने जाएंगे तो ये प्लांट भी 30 या 35 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें भी कई तरह की वेराइटी आती है और कई कलर के भी ये प्लांट आते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत और हीट टॉलरेट और ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। समर सीजन में गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं पर्सलिन। पर्सलिन के प्लांट को भी आप गर्मियों के मौसम में ग्रो करिए। बहुत सारे कलर में ये प्लांट आता है और ढेरों फूल इसमें खिलते हैं, दिखने में गार्डन काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। पर्सलिन के प्लांट से कटिंग के द्वारा इस प्लांट को बाद में आप ढेरों बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में 1 से 2, 2 से 4 ये प्लांट बन जाएंगे। और पर्सलिन के प्लांट को भी आप नर्सरी से परचेज करने जाएंगे तो 15 से 20 रुपये में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं गॉम्फ्रिनो के प्लांट को। गॉम्फ्रिनो का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 रुपये में ये नर्सरी में मिल जाता है। इसमें कई कलर आते हैं बट ये कलर जो है ये बहुत ही कॉमन कलर है, बहुत ही आसानी से हर नर्सरी में मिल जाता है। तो इस प्लांट को आप बहुत ही आसानी से नर्सरी से परचेज कर सकेंगे और इसकी अच्छी बात यह है कि इसे आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं। इसके फूल जब सूख जाएं तो इसी फूल में इसके सीड्स होते हैं जो कि आप खुद ब खुद इस सीड से बहुत ही इजीली छोटे छोटे पौधे ढेर सारे खुद ही अपने गार्डन में बना सकेंगे। फिर फ्रेंड्स आप मिनिमम से प्राइस में ग्रो कर सकते हैं पैंडानस का पौधा। पैंडानस का पौधा भी काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है। बहुत ही जल्दी जल्दी ये प्लांट अपने आप को डेवलप करता है और डिवाइड करके आप ढेर सारे पौधे इसके बना सकते हैं। ये प्लांट भी नर्सरी में ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपीज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है, हीट टॉलरेट होता है और विदाउट केयर प्लांट आप इस पैंडानस प्लांट को कह सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर लगाइए। इसके बाद फ्रेंड्स आप बोट लिली के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मिनिमम से प्राइस में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 रुपीस में आपको नर्सरी में मिल जाएगा और अपने आप को बहुत ही जल्दी डिवाइड करता है, इसीलिए बहुत ही सारे पौधे बहुत कम समय में आपके पास तैयार हो जाते हैं। फिर आप इसे डिवाइड कर करके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है और हीट टॉलरेट होने की वजह से गर्मियों के मौसम में आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर ऐड करने में मदद करता है, गार्डन को खूबसूरत बनाता है।
फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं लालसा का पौधा। लालसा का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा जो मिनिमम से प्राइस में आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा, जो कि 10 से 15 रुपये या 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसके फ़ायदे ये हैं कि कटिंग से इसे आप लगा के ढेर सारे बना सकते हैं। हीट टॉलरेट प्लांट होता है, हैज के रूप में इसे यूज़ किया जाता है और गार्डन में खूबसूरत कलर इस प्लांट से ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि हम बहुत ही मिनिमम से प्राइस में गार्डन में ला के उस पौधे को लगा सकते हैं, नर्सरी से ला के हम उस पौधे को लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गार्डन की खूबसूरती हम महंगे महंगे पौधे से ही बनाए या महंगे पौधे से ही हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। हमें बस जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सस्ते ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि बहुत ही आसानी से हम ग्रो भी कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम से प्राइस में हम उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने कुछ पौधे आज आपके साथ शेयर किए, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पौधे हैं, फिर किसी वीडियो में आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।